इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी सही से समझने के लिए पहले हमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच इंटरेक्शन समझना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच क्या इंटरेक्शन होता है? बेसिकली मॉलिक्यूल हो या एटम है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। सेंट्रल पार्ट जिसे आप सेंटर कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो नो नॉट सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो शेप्स आपने पढ़ी है SPDF ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल और एन एटम हैज अ पॉजिटिव कोर एंड अ नेगेटिव चार्ज स्प्रेड अराउंड इट। जैसे किसी फल के अंदर एक गुठली है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ का जिसे हम कहते हैं गूदा पल्प, वो सब पूरा निगेटिव चार्ज है, दोनों अलग अलग। जब ये दो एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते लेकिन लार्ज डिस्टेंस पर हैं, एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा, दोनों एटम एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर हैं और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस पर हैं कि इन दोनों एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है, कोई इंटरेक्शन नहीं जब ये लार्ज डिस्टेंस पर है। और ये लार्ज डिस्टेंस भी बहुत कम होती है, एटम्स और मॉलिक्यूल के हिसाब से बहुत लार्ज डिस्टेंस है, हमारे लिए तो ये माइक्रोमीटर्स में है। इस नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस से अगर आप मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी है, इन्हें अगर आप पास लाएं, तो पास लाने पर इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन है एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव का रिपल्शन एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस का, और इस एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरे एटम या मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे न्यू एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहले वाला एटम या न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, ओवरऑल क्या रहेगा ये डिपेंड करता है इन दोनों की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और इनके अपने स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो जब आप इनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है जो कि रिजल्टेंट है किसका, रिपल्शन का भी और अट्रैक्शन का भी। रिपल्शन है सिमिलर चार्जेस के बीच, अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस के बीच, उन सबका रिजल्टेंट कुल मिलाकर के अट्रैक्शन ओवरकम कर गया रिपल्शन को, तो हल्का सा अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इसके बाद अब इन मॉलिक्यूल्स को अगर आप और पास लेकर आते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को और या एटम जो भी है ना और पास लेकर आते हैं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी और बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा और इंक्रीज होता है। आप इन्हें और पास लेकर आते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन और भी इंक्रीज होता है और अट्रैक्शन अपनी मैक्सिमम लेवल पर, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। यहां क्या बना? मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गया है।
अगर इन मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी हैं इन्हें आप फर्दर और पास लेकर आते हैं तो अभी अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है, अट्रैक्शन डिक्रीज। और जिस पेस पर, जिस तरह से ये इंक्रीज हुआ था उससे कहीं तेजी के साथ डिक्रीज होता है। जब आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस पर हैं दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल, तो दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। आपने इनको पास लाना शुरू कर दिया, इनके बीच धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और वो अट्रैक्शन किसका रिजल्टेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का रिजल्टेंट है। जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रही है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तो कम फोर्स लगती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में फोर्स ज्यादा होती है। थोड़ा सा आप इन्हें और पास लाए और अब आपका अट्रैक्शन जो था ये बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो फोर्स, ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में ना अट्रैक्शन रही और ना रिपल्शन रहा। पहले अट्रैक्शन बढ़ा था, अट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ और फिर वो तेजी के साथ रिड्यूस होकर अट्रैक्शन जीरो हो गया। इस डिस्टेंस को, ये जो भी डिस्टेंस बनी है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से, और इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम बोलते हैं, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस रियल में होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, ये सॉलिड है प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक प्लास्टिक के इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इस टाइम? आर नॉट, ना अट्रैक्शन में है वो और ना रिपल्शन में है। कोई भी सॉलिड हो, चाहे मेटल है, नॉन मेटल है, लकड़ी पत्थर है, कुछ भी है, उन सब के मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूलर है स्ट्रक्चर है और वरना तो एटम, एटमिक स्ट्रक्चर किसका होता है? किस सॉलिड का एटमिक स्ट्रक्चर है? जितने भी आपके मेटल्स हैं ये सब एटमिक स्ट्रक्चर है इनका, बाकी एटम्स के अलावा, मेटल के अलावा बाकी सबका मॉलिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर। ये लकड़ी है, हाँ, ये इसके अंदर का जो लेड है ये भी एटमिक स्ट्रक्चर में है। तो एटमिक हो, एटमिक स्ट्रक्चर हो या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, एक स्टेबल सॉलिड लैटिस जब बना हुआ है, सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर नॉट, आर नॉट है ये। अब थोड़ा सा यहां से उल्टा समझिए, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस आर नॉट है, इस मेटल के इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस इस टाइम आर नॉट डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, अगर आप किसी कारण से मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दे तो क्या होगा? अगर किसी किसी भी तरह से आप इन एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो अगर आपने किसी भी तरह से इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होगी आप दोनों मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में। अगर आप इन एटम्स को बाय द वे फर्दर फर्दर और पास लेकर आए, जबरदस्ती किसी तरह से इन्हें पीट पाट के जबरदस्ती और पास लेकर आए, तो अब उल्टा काम होना शुरू हो जाता है। क्या? अब इनमें अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन, और भयंकर तेजी के साथ ये रिपल्शन बढ़ जाता है। मामूली सा डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे आप
और रिपल्शन भयंकर तेजी के साथ बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब आप कितना भी जोर लगा लो और ज्यादा पास ये नहीं आ सकते, नहीं आ पाएंगे। इन्हें ट्रक के नीचे दबा दो या कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो नहीं आएंगे उससे ज्यादा पास। इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा इनके बीच में कि अब इन्होंने एक दूसरे के और फर्दर पास आने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अब नहीं आएंगे। अब फिर से ध्यान से देखिए, ये मेरा मेटल है या लकड़ी है, कुछ भी है, इनके मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच का डिस्टेंस आर नॉट है, स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने जबरदस्ती इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया तो क्या होगा, इनका एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। कैसा सा फिनोमिनन हो रहा है ये? एक स्प्रिंग है आपके पास, ये स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन, अनस्ट्रेस्ड अनकंप्रेस्ड नॉर्मल कंडीशन। इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, खींच दिया आपने इसे, स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होता है, ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करती है, अगर आप छोड़ देंगे वापस अपनी जगह। इसके अगेंस्ट स्ट्रेच किया, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया आप इसे, तो क्या होगा, ये वापस खुलकर अपनी नॉर्मल लेंथ गेन करने की कोशिश करेगी। वैसा सही हो रहा है यहां, अगर आप मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाते हैं तो ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, और अगर इन मॉलिक्यूल्स को आप पास लाते हैं तो ये दूर जाकर अपने आप को एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर लाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। किससे जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ सारे ये स्प्रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दूर भागने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, सारे सब आपस में बंधे हुए। और यही रीजन है अल्टीमेटली इलास्टिसिटी का, कि अगर आप किसी भी कारण से दूर ले जाते हैं मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम इनको बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, भले वो मॉलिक्यूल है एटम है, अगर आप इन्हें खींचकर दूर ले जाएं तो ये वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में लौटने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें पास ला रहे हैं तो भी ये वापस जाकर अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? अ टेंडेंसी, अ प्रॉपर्टी, अ टेंडेंसी, एक नेचर, एक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? टू रीगेन। क्या रीगेन? इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब इस कॉन्फिगरेशन में सारे चीजें आ गई, लेंथ वापस गेन करना, अपनी ब्रेथ वापस गेन करना, अपना वॉल्यूम वापस गेन करना, सब कुछ आ गया। अ टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कब? आफ्टर द रिमूवल ऑफ कौन सी फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है? डिफॉर्मिंग फोर्स वो है
जो इन एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को बदल रही है, किसी भी तरह से बदल रही है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। आप किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स ने इन मॉलिक्यूल्स, एटम्स या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बदल दिया। यहां मैंने फोर्स लगाई है तो अब क्या हुआ, अंदर ही अंदर यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा इस सरफेस पर, कुछ यहां नीचे वाले फेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज वाला अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, इंक्रीज वाला अपने आप को घटाने की कोशिश करता है, और फिर ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की टेंडेंसी रखता है। आ पाए ना आ पाए वो एक अलग बात है, लेकिन अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है। बस यही बिहेवियर, यही टेंडेंसी क्या है, यही टेंडेंसी, ये बिहेवियर है हमारा क्या, इलास्टिसिटी। क्या है ये, इलास्टिसिटी बिहेवियर है, इस बिहेवियर का नाम इलास्टिसिटी। और ये लगभग लगभग हर मटेरियल में, हर सॉलिड में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ध्यान रखिएगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली। इलास्टिसिटी लिक्विड और गैसेस में भी होती है, होती है इलास्टिसिटी, दोनों में है, तीनों में है, लेकिन गैसेस की इलास्टिसिटी बहुत कम है, लिक्विड की थोड़ी सी और ज्यादा है, और सॉलिड की तो बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा है उनमें भी, लेकिन वहां थोड़े कॉन्फिगरेशन चेंज होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटमिक स्ट्रक्चर बदलता है, वहां फिक्स नहीं है पोजीशन। सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में तो सारी की सारी फिक्स है, पोजीशन फिक्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, बिल्कुल इस तरह फिक्स है जैसे कि आपस में एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से बंधे हुए हो। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस में आपका जो मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बंधे नहीं हुए, इस तरह बंधे नहीं है जैसे सॉलिड में बंधे हुए, हालांकि वहां भी उनके बीच में अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है, लेकिन बहुत कम है। और जब गैसेस की आप बात करते हैं तो गैसेस के बीच में तो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट निगलेजिबल है, इसलिए वो वापस अपनी जगह आने की या दूर जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इलास्टिसिटी है उसमें भी नेगलिजिबल, स्मॉल है लिक्विड में, और कंसिडरेबल लार्ज किसमें है, सॉलिड्स, सॉलिड्स में, ठीक है। अब दो आपके पास सॉलिड्स हैं, एक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो अपने मूव करने का बहुत तकड़ा विरोध कर रहे हैं, और दूसरे पार्टिकल है, दूसरा सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल्स भी वापस अपनी जगह आने की कोशिश में है, हटना नहीं चाह रहे, लेकिन इनकी ये टेंडेंसी, ये बिहेवियर कम है। सिंपल सी बात है, एक रबर ले लो, रबर को आप खींच सकते हो आराम के साथ, दबा सकते हो आराम के साथ, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये स्प्रिंग है, थोड़ी हल्की स्प्रिंग है, कमजोर स्प्रिंग है ये, लेकिन स्टील है, जरा स्टील को तो, ये मेरे पास एक रबर है, इरेजर है, इतना बड़ा, देखो अगर इसको दबाना चाहोगे दबी गया, ये आपको दिख रहा है, मैंने बांधा हुआ तो दब गया है, एक लोहे के टुकड़े पर ऐसे बांधो दब जाएगा क्या, हो नहीं, क्यों, क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के ये स्प्रिंग है, ये बड़े पक्के मजबूत वाले स्प्रिंग है, तो बताना जरा कौन ज्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील ज्यादा इलास्टिक हुआ, जो ज्यादा विरोध करेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल से लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बहुत कम विरोध कर रहे हैं, और गैसेस के पार्टिकल है ये अपनी डिस्प्लेसमेंट का, अपनी पोजीशन चेंज होने का बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो इनमें इलास्टिसिटी नहीं है। सॉलिड्स कर रहे हैं, सॉलिड्स में है, लेकिन सॉलिड्स में भी कुछ ज्यादा करते हैं इसे, और कुछ में ये टेंडेंसी कम है। तो जो ज्यादा अपोज करेगा, लार्जर द अपोजिशन, लार्जर द अपोजिशन, लार्जर इज द इलास्टिसिटी, जितना कम अपोजिशन होगा उतना ही कम इलास्टिसिटी होगी, दैट्स व्हाई गैसेस आर
नेग्लिजिबली गैसीज, नेग्लिजिबली स्मॉल इलास्टिसिटी है उनमें भी, लेकिन बहुत कम होती है। क्लियर इतनी बात यहां तक?